Hey guys, welcome back to my another video. Hope you all are doing well. Today I'm gonna show you how to make some good aesthetic reels which will definitely help you to grow your Instagram account. Because आज के टाइम पे रील्स कितना इम्पोर्टेंट हो चुका है ये आप लोग जानते ही हो. अगर आप चाहते हो कि आपके रील्स में अच्छी ग्रोथ आए, आपके फॉलोअर्स बढ़े, तो आपको ऐसे क्वालिटी रील्स बनाने ही पड़ेंगे. अगर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में ऐसे स्मूथ एस्थेटिक रील्स बनाते हो तो आपका रील का वायरल होने का चांसेस बढ़ जाता है, बिकॉज आजकल यही ट्रेंड कर रहा है. फॉर मेकिंग दिस टाइप ऑफ क्वालिटी रील्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू एप्स. फर्स्ट इज प्रिक्विल एंड द सेकेंड इज VN वीडियो एडिटर. सो नाउ इफ योर फोन कैमरा हैज द स्लोमो फीचर, देन क्रिएट अ वीडियो बाई यूजिंग स्लोमो. अगर आपके फ़ोन में स्लोमो फीचर नहीं है, देन वीडियो में बने रहे. मैं कुछ देर में बताऊंगा कि आपको अपने वीडियोज कैसे स्लो करने हैं. सो क्रिएट अ वीडियो लाइक दिस. सो वीडियो बनाने के बाद नाउ ओपन योर प्रिक्विल ऐप. जो वीडियो वीडियो आपने बनाया है उसे सिलेक्ट करना है. सिलेक्ट करने के बाद यू हैव टू चूज कि इस वीडियो में कौन सा फिल्टर सूट कर रहा है. आप नीचे देख सकते हो बहुत सारे फिल्टर्स हैं. अगर आप एक स्मूथ एस्थेटिक बनाना चाहते हो तो आप बस फिल्टर को चूज करो, इफेक्ट की जरूरत नहीं है. बिकॉज इफेक्ट चूज करने के बाद वीडियो स्मूथ नहीं रहती. So after choosing your filter, now go to the export button and export it. Now open your VN video editor app और PicWheel से जो videos आपने save किया था, select that videos. नाउ अगर आपके फ़ोन में स्लोमो नहीं है तो आप स्पीड में जाकर, कर्व में नहीं रेगुलर में जाकर स्लोमो कर सकते हो इजी. सो अब अगर आप अपने वीडियोस में कुछ पेनफुल टेक्स्ट लिखोगे तो वायरल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो अगर आप VN के फॉन्ट यूज करोगे तो ज़्यादा कूल नहीं लगेगा, बिकॉज उसमें कुछ खास फॉन्ट्स नहीं है. तो आप कहीं बाहर से कोई अच्छा सा टेक्स्ट का स्क्रीनशॉट लेके इंस्टा से या फिर गूगल से कहीं से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. देन उनका फॉन्ट काफ़ी स्मूथ दिखता है, एक बार ट्राई करना. सो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि मैंने एक टेक्स्ट का स्क्रीनशॉट लिया है, देन उसे क्रॉप करके आपको वीडियो में ऐड कर लेना है. ऐड करने के बाद आपको क्रोमा का ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे, उस पर क्लिक करके इंटेंसिटी को बढ़ाना है और स्पिल को वहीं रहने देना है. स्पिल से कोई छेड़छाड़ आपको नहीं करना है. अब आपको थोड़ा सा साइड स्क्रॉल करना है. साइड स्क्रॉल करने के बाद आपको वहां पे एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उस पर टच करना है. देन ब्लेंडिंग पे क्लिक करने के बाद आपको एक कलर बर्न का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको कलर बर्न में जाना है, उसे 100% कर देना है. 100% करने के बाद वो टेक्स्ट आपका अभी क्लियर दिख रहा होगा, काफी स्मूथ दिख रहा होगा. नाउ यू हैव टू चूज अ गुड लोफी सॉन्ग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी वीडियो की रिच बढ़ाने में. आपको एक ट्रेंडिंग लोफी सॉन्ग चूज करना है. सो नाउ गो टू द म्यूजिक ऑप्शन. और आपको अगर कोई वीडियो में से ऑडियो निकालना है, देन एक्सट्रैक्ट ऑडियो फ्रॉम द वीडियो वाले ऑप्शन से आप ये कर सकते हो इजिली. सो अभी मैं ये वीडियो चूज कर रहा हूँ जो कि इंस्टाग्राम पे अभी काफी ट्रेंड कर रहा है.
After choosing a good lofi music, आपको सिंपली वीडियो को बीच बीच में स्प्लिट करना है, जैसा कि मैं अभी कर रहा हूँ। स्प्लिट करके आपको ब्लैक फेड डालना है, जहाँ जहाँ आपको ठीक लगे आपको वहाँ पे ब्लैक फेड डालना है। अभी आप पे है कि आपको कहाँ डालना है। नाउ एंड में आपको एक बार चेक कर लेना है कि वीडियो कैसी दिख रही है, कैसी लग रही है। नाउ इट्स टाइम टू एक्सपोर्ट द वीडियो एंड अपलोड दिस ऑन योर इंस्टाग्राम अकाउंट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बूंदे भी तो आए नहीं बाज यहाँ है, साजिश में शामिल।